भारत में जो पुरुष और नारी का समान अधिकार प्राप्त है, उसी का गलत फायदा उठाकर एक लड़की द्वारा झूठे आरोप में बेबुनियादी आरोप लगा करके पिछले 8 वर्षों से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को जेल में बंद किया गया है। क्या यही नारी सशक्तिकरण है? नारी तू नारायणी है। नारी को नारायणी बनाने की शिक्षा बापू द्वारा मिल रही है, जिसे करोड़ों माताएं और बहनें जिसका लाभ ले रही हैं। हमारे देश को अच्छे संस्कार की आवश्यकता है, जो हमारे परम पूज्य बापू द्वारा बाल संस्कार केंद्र द्वारा दिया जा रहा है। उनकी द्वारा अनेक सेवा कार्य की जा रही है, जैसे महिला उत्थान शिविर द्वारा महिला को सशक्तिकरण बनाना, बाल संस्कार केंद्र द्वारा बच्चों को अच्छी संस्कार देना, बाढ़ पीड़ित भूकंप पीड़ितों की सेवा इत्यादि अनेक असंख्य सेवा कार्य किए जा रहे हैं। क्या यह सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? एक जो बापू को एक दिन के लिए भी बेल नहीं मिल रही है, जबकि उन्हें कई बीमारी और इतने वृद्ध हो चुके हैं, उसके स्थान पर कई ऐसे अपराधियों को, आतंकवादियों को बेल भी दिया जाता है और रिहाई भी मिलती है। जब इस देश में सबके लिए कानून बराबर है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे सरकार को क्या यह नहीं दिखाई दे रहा है? जिस देश में संतों का अत्याचार किया जाता है, वह देश कभी सुखी नहीं रहता है। इसको प्रकृति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अतः सरकार से हमें अनुरोध है कि वे अपनी आंखें खोले और वे हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को ससम्मान रिहा करें।